एक साथ मैं शायद दो दो कंट्री जाऊं, तीसरा कंट्री भी ऐड हो सकता है एक साथ। शायद ये वाला जो ट्रिप है ना, इसमें तीन कंट्री में जाऊं। अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए रखो। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत काफी लेट हो रहा है, और आपको ही पता है मेरे घर में अभी काफी लोग हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो प्रॉपर वीडियो ना स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अभी टीवी स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको वीडियो शूट करने का टाइम साइलेंट चाहिए होता है। तो सारा दिन तो मतलब ऐसे इधर उधर हम लोग का घूमना फिरना हो रहा था। घूमना फिरना क्या, इधर उधर का ही काम वाम लेकर अभी जाकर टाइम मिला है, सोचा चलो अभी व्लॉग को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और ये अभी मस्त खेल रही है, देख लो। और ये बगल वाले घर में ना पूजा था, तो वो प्रसाद देकर गए थे। क्या चीज का प्रसाद है मम्मी? सत्यनारायण भगवान। और यहाँ पे ये देख लो क्या लेकर बैठी है, कोई तो कार्टून देख रही है। बाकी इसको देख लो भाई साहब, पोटली पोटली। अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है ना खिलाते खिलाते। भाई सच बता रहे, इसको खिलाने के चक्कर में ना व्लॉग नहीं बन पाता है। सुबह उठो, मम्मी को बोलते मम्मी पोटली जग गई है, तो बगल में लाके सुला दो एक बार, रोना स्टार्ट हो गया। चलो भाई भूख लगा है, मम्मी का ड्यूटी स्टार्ट। ओ रील्स देखने वाली मम्मी, बच्चे को संभालो अपना। उसके सिस्टर अभी कार्टून देखती है, देख लो वो भी देखती है। थोड़ा दूर से दिखाओ, उतना सामने से नहीं। देखो अभी रो रहे थे, अभी चुप हो गई। सोचो उसको कार्टून क्या ही समझ में आ रहा होगा। कुछ को नहीं, मत रहो बाबू, फिर हम लोग कल ही निकल ही रहे ना, तुमको खिला भी नहीं पाएंगे ठीक से। तो निकल जाएगी, मत रहो मत रहो। पोटली कुआ, पोटली दूध पीना है, दूध पीना है तो ठीक है ठीक है, दूध आ जाएगा। चौमिन फ्लेवर, मंचूरियन फ्लेवर, कौन सा दूध? वेनिला फ्लेवर का मिल्क पिएगी ना पोटली। पुचकी चले गए अभी सोने के लिए, और हम लोग वापस से बोर होना स्टार्ट हो गए। वैसे आपको मैं बता दूं, वुमेन्स डे कल था ना, वो तो चला गया। मैंने मम्मी के लिए कुछ ऑर्डर किया था, जो कि कल नहीं मतलब कल से भी एक दिन पहले आने वाला था, लेकिन आया वो थोड़ा लेट, लेकिन चलो कोई नहीं, आ गया जैसे भी करके। अभी भी मेरे पास नहीं आया है, भैया आ रहे लेकर। फोन किया था उन्होंने कि भैया आप घर पे हो ना, मैं बोला हाँ भाई घर पे ही हूँ, आप आ जाओ फटाफट। तो देख लो जी, अभी से मेरा पैकिंग स्टार्ट हो चुका है, और जहां मैं जा रहा हूँ ना वहां मतलब भयंकर गर्मी है। अभी एक साथ मैं शायद दो दो कंट्री जाऊं, तीसरा कंट्री भी ऐड हो सकता है एक साथ। शायद ये वाला जो ट्रिप है ना, इसमें तीन कंट्री में जाऊं। तीसरा को लेकर ज्यादा कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन दो को लेकर कंफर्म हूं, क्योंकि टिकट मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है। दो कंट्री हमें जाना है, तो उसी का अभी पैकिंग चल रहा है। ये मेरा टॉयलेटरीज बैग है, जो कि आपको पता है इसमें मेरा कॉलगेट ब्रश सब कुछ होता है। और इस बार हम लोग जहां जा रहे हैं ना, वहां पे हमें मतलब जो बैग का अपना वेट है ना, उसको मेंटेन करना होगा। इसलिए देख लो आधा से ज्यादा सामान हम लोगों ने निकाल के साइड किया है। नहीं नहीं वो एक्सटेंशन बोर्ड तो जाएगा ही। फ्लाइट का टिकट है 5,000-4,000, लेकिन वो है विदाउट लगेज। और मैं लगेज ऐड कर रहा हूँ ना, तब भाई वो हो जा रहा है एक ही बार 10,000, 12,000, 8,000, कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। तो फिलहाल चलो अपना ये पैकिंग चल रहा है, अभी भी काफी सारा कपड़ा अपना सूख रहा है, तो वो जाएगा इसमें। और बाकी देख लो ये आ चुका है, जो मैं बोल रहा था ना आने वाला था, ऑलरेडी मैंने इसको खोल कर देख लिया। एक्चुअली चेक करना पड़ता है ना सामान, आजकल तो आपको ही पता है ना बहुत टाइप का फ्रॉड होता है। तो हाँ जी देख लो, ये आ चुका है जो मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया था। तो ये देख लो, मैंने जूक से ही ऑर्डर किया था, तो ये तो चलो ठीक है, इसको साइड करते हैं। अभी मेन जो है मम्मी का वो देखते हैं। और ये जो है देख लो, मम्मी के लिए मैंने मंगाया है, देखते हैं मम्मी को पसंद आता है कि नहीं, कैसा लग रहा है। मैं ऐसे ही ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे जूक का एडवर्टाइजमेंट दिखा, तो वही मैं सोचा चलो भाई देखते हैं इनका पर्स मंगाकर कैसा है। और एक्चुअली स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जब भी बाहर में कहीं घूमने जाता हूँ ना, मैं अपना आधा से ज्यादा सामान जैसे चश्मा का डब्बा हो गया, सारा सामान मैं मम्मी में ही डाल देता हूँ, तो मम्मी का बैग काफी भारी हो जाता है। मैं सोचा कि चलो कुछ ऐसा बैग लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा सामान हो पाए, अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए रखो। वो जो कलर कॉम्बिनेशन है ना मम्मी, वो ऑरेंज एंड ब्लैक का बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये डिजाइन इसका देख लो, यूनिसेक्स डिजाइन है, मेल हो या फीमेल कोई भी इसको आराम से यूज कर सकता है। एक बार इसको लेकर देखो, कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा है ना कि कोई भी यूज कर सकता है। तो मम्मी कैसा लगा तुमको तुम्हारा वुमेन्स डे गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, एक तो और अच्छा रहता। चलो कोई नहीं, देर आया दुरुस्त है, आखिर यूज तो वैसे भी करना है। और सबसे बड़ा बात तो वुमेन्स डे हर दिन है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं होता। जैसे एक होता है ना स्पेशल एक दिन बर्थडे होता है, तो वैसे वुमेन्स डे भी एक दिन स्पेशल बनाया गया है, तो लोग उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। वुमेन्स को उस दिन मतलब बैठे रहना है और बाकी तुम लोग काम करो। लेकिन हम वुमेन्स डे कल तो बैठे ही थे, काम नहीं किए थे। देख लो भाई,
और क्या चाहिए, इसीलिए आपको मेरा ब्लॉग भी ना काफी छोटा छोटा मिल रहा होगा क्योंकि ब्लॉग हो ही नहीं पा रहा है। ये बात सही है, कल हम कुछ नहीं किए, यहाँ तक कि चाय कुछ नहीं बनाया, सब हमको आराम से ही मिला है, आराम से मिला, बेटी है बीच वाली दीदी। नहीं नहीं ऐसा मत सोचो कि मैंने सारा काम किया घर में, ये आई थी ना घर में, कल मैंने आपको दिखाया था ये जो बना रही थी और कल मस्त खाना बनाई थी, लेकिन ये और इसको देख लो बॉडी बना रही है, बुगी देखना लेकिन पैर में गिर ना जाए, नीचे रख दो, नीचे रख दो, गिर जाएगा सर पे। आप लोग भी अगर ऐसे कोई स्पेशल पर्सन को गिफ्ट करना चाहते हो, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी मम्मी को या फिर अपनी सिस्टर को ऐसे बैग पर्स या फिर खुद के लिए भी लेना चाहते हो, तो आप एक काम करना, मैं ट्राई करूंगा लिंक देने का इनका ज़ूक का, आप एक बार विजिट करना इनका वेबसाइट, इनका इंस्टाग्राम, आपको एक से बढ़कर एक कलेक्शन दिख जाएगा यहाँ पे। बाकी ये ग्लव्स तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लव्स का कोई जरूरत नहीं है इस ट्रिप में। मैं बता दूं मेरे पूरे ट्रिप में ना कपड़ा से भी ज्यादा मेरा अंडर गारमेंट्स रहता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा। तो चलो जी, आज का वीडियो काफी शॉर्ट एंड सिंपल था और अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा अपना आइटनरी बता देता हूँ कि कैसे कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ। तो फिलहाल कल मैं निकल रहा हूँ हो सके तो बैंगलोर के लिए, फ्लाइट अभी भी बुक नहीं है मेरा, एक्चुअली मैं फोन करूंगा एक बार, देखो रात तक शायद अपना फ्लाइट बुक हो जाए, लेकिन कल जैसे भी करके मुझे निकल जाना है और ट्राई करूंगा दोपहर का फ्लाइट लूँ मैं, क्योंकि सुबह का फ्लाइट अच्छा होता है, आप डेस्टिनेशन में सुबह सुबह पहुंच जाओगे सारा दिन मिलता है, लेकिन सुबह का फ्लाइट लेने के लिए जो नींद अपना खराब होता है ना भाई, वो नहीं चलेगा नहीं, तो इसलिए ना हम लोग सोचे कि नहीं कल हम लोग आराम से सोएंगे और दोपहर या फिर शाम का कोई फ्लाइट लेंगे ताकि थोड़ा सा नींद को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो कल शायद शाम तक हम लोग निकल जाएंगे, शाम तक क्या दोपहर तक ही निकल जाएंगे क्योंकि फ्लाइट अगर शाम का रहा तो, और कल हम लोग पहुंचेंगे बैंगलोर या फिर चेन्नई, ये दोनों में से कोई एक जगह पहुंचेंगे और उसके बाद हमें निकलना है अपने थर्ड इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो हाँ जी, ये जो मैंने चैलेंज लिया है ना 12 महीने में 12 कंट्री कवर करने का, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 कंट्री कवर कर लिया है, जो कि पहला था नेपाल और दूसरा था भूटान। अपने इस 12 महीने में 12 कंट्री चैलेंज का शुरुआत ना मैंने आसपास के नेबर कंट्री से किया है। अब मेरे से कुछ लोग बोल रहे थे कि मोहित भाई बांग्लादेश एक बार आओ, ट्रेन जर्नी करो, बांग्लादेश आऊंगा मैं, अभी ऑलरेडी मैंने 2-3 कंट्री प्लान करके रखा हुआ है ना, इसलिए 4-5 महीने बाद ही आऊंगा मैं वहां। तो जैसे कि इस वाले ट्रिप में मैं जा रहा हूँ और इसमें मेरा प्लान है 3 कंट्री कवर करने का, मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको 12 महीने में मुझे 12 कंट्री कवर करना है। तो 12 महीना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 कंट्री इंपॉर्टेंट है, अब वो चाहे 6 महीने में हो जाए, 8 महीने में हो जाए या फिर 12 महीने में भी ना हो पाए, वो तो आपको पता चलेगा ही। काफी एक्साइटेड हूं मैं ये कंट्री जाने के लिए, उसका जो फोटोज वीडियोस आप लोग भी देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप में से काफी लोगों ने सही गेस भी कर लिया है कहाँ जा रहा हूं मैं। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहां तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।